कानपुर में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे 10 जुलाई को हुए एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन उसके बारे में तकरीबन रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में अब ग्रेटर नोएडा से विकास दुबे से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी का एक पर्चा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे विकास दुबे के नाम से बनवाया गया। हैरानी की बात यह है कि ये पर्चा उसी दिन सुबह के समय बनवाया गया। 10 जुलाई को सुबह विकास दुबे का कानपुर के पास एनकाउंटर होता है, लेकिन यहाँ ओपीडी में विकास के एनकाउंटर के कुछ घंटे बाद का समय देकर पर्चा बनवाया गया है। मामला सामने आते ही दादरी अस्पताल पुलिस पहुंची, ओपीडी में पर्चा बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मी से पूछताछ की। नोएडा एसटीएफ चौकन्ना हो चुका है। दादरी विकास दुबे कानपुर पर्ची कांड में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने ओपीडी कर्मचारी को थमाया कारण बताओ नोटिस दिया है। दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी पर आकर 10 जुलाई को विकास दुबे के नाम से पर्ची कटवाने वाला ये मामला तूल पकड़ चुका है। मीडिया में हाईलाइट होने के बाद केंद्र प्रभारी ने ओपीडी काउंटर पर पर्ची प्रभारी को कारण बताओ नोटिस दिया है, लिखित जवाब मांगा है। पर्ची प्रभारी का कहना है, जो मरीज जिस नाम की पर्ची बनवाएगा मैं वही बनाऊंगा, इसके बाद वही पर्ची मरीज के पास रहती है, तो पर्ची हाईलाइट कैसे हुई? आपको बता दें, 10 जुलाई को एक व्यक्ति ने दादरी के सामुदायिक केंद्र पर विकास दुबे पता कानपुर देकर इलाज के लिए पर्ची बनवाई, लेकिन दवाई लिए बिना ही चला गया, जो ओपीडी रजिस्टर में भी अंकित है। ओपीडी पर्ची वायरल होने के बाद मामला मीडिया में आया, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। एसटीएफ चौकन्नी हो चुकी है। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दें, सामुदायिक केंद्र प्रभारी अमित कुमार का कहना है, मामला विकास दुबे कानपुर के अपराधी से जुड़ा है, ओपीडी प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया है। स्थानीय कोतवाली प्रभारी शुक्रवार को पूछताछ करके गए, एसटीएफ ने फोन पर जानकारी ली। देखना होगा इस मामले में और कौन से बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।